लगातार पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तमाम खबरों से आपको अवगत करा पा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है राजद के युवा नेता नवनीत कुमार झा। क्षेत्र में लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद आपको आतिफ जी। अभी तो माहौल इस है, हम लोग देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं एकदम एक तरफा माहौल है। और हमारी जो कर्मठ शिक्षित प्रत्याशी रितु जायसवाल जी हैं, वो लगभग मेरा जो अपना आकलन है 3 लाख के ऊपर मतों से यहाँ से चुनाव जीत के जा रही हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। आप हाल फिलहाल के ही दिनों में मंच से राजद में शामिल हुए हैं, तो युवाओं में एक उत्साह सा माहौल आ चुका है और इस बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में युवा काफ़ी आपके नाम से इच्छुक है, क्या कहना चाहिएगा इसको? देखिए, युवा ही आगे इस देश को बढ़ाएगा और युवा के ही कंधों पर ये देश आगे बढ़ेगा। अब जैसे कि हमारे तेजस्वी जी युवा हैं, जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके ही प्रयासों से लाखों नौकरियां इस राज्य में मिली और वह आज एकमात्र नेता है इस राज्य में जो कि रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, उसके बाद ये युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करता है, जबकि उस तरफ से सिर्फ जाति और धर्म की बातें होती हैं। तो आगे वाला समय जो है, भारत एक युवा देश है, यहाँ युवा की बहुत बड़ी आबादी है, तो इस युवा शक्ति के ही आधार पर ये देश आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक शिवहर का सवाल है, तो शिवहर में भी 2020 में एक युवा को हम लोगों ने विधानसभा में चुनाव में जिताने का काम किया। मेरे ही गला पे आरी चल के उसको टिकट मिला, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद उसको रिकॉर्ड वोटों से शिवहर जिला के निर्माता यहाँ से चुनाव जीते थे 90 में 33,000 वोटों से, वो चुनाव जीता लगभग 37,000 वोटों से। तो आज़ादी के बाद से अभी तक के रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीत के गया, लेकिन आज ये स्थिति है कि उनकी माता जी प्रत्याशी हैं और शिवहर विधानसभा में वो प्रचार नहीं कर सकता है। तो कि शिवहर विधानसभा में आ रहा है प्रचार करेंगे, तो ऐसी स्थिति है कि जो भी वोट उनकी माता जी को यहाँ मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो एक वो भी युवा है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। तो युवाओं को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह के युवा का हम अनुसरण करें। तेजस्वी यादव जैसे युवा का अनुसरण करें जो आपकी बात करता है, या कुछ ऐसे युवाओं का अनुसरण करें जो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करता है, उसके बाद ठेंगा दिखा देता है। और ठेंगा उसने पहली बार नहीं दिखाया है, जो प्रत्याशी महोदया हैं यहाँ पर या जो भी उनके लोग हैं जुड़े हुए, वो शिवहर की जनता को पिछले 30 साल से ठेंगा दिखाते ही आ रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कि 30 साल से कहते कर्मभूमि ये सब कुछ वो, और एड्रेस कहाँ का है तो सहरसा का, एम्स कहाँ बनना चाहिए तो सहरसा में। तो शिवहर के लिए कोई इन लोगों के दिल में कुछ नहीं है, शिवहर एक इनके लिए चारागाह है। हर 5 साल पे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें ये लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आके चुनाव के बाद चुनाव जीते चाहे हारे ये लोग वापस चले जाते हैं। तो इस बार का लोकसभा का चुनाव जातीय समीकरण या चेहरे पर चुनाव हो रहा है? जातीय समीकरण यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, ये चुनाव चेहरे का है, ये चुनाव विकास बनाम विनाश का है। हमारा जो मुद्दा है विकास का, हम लोग का मुद्दा है इसका प्रोस्पेरिटी का, हम लोग का मुद्दा है युवाओं को आगे बढ़ाने का, हम लोग का मुद्दा है कि समाज में समरसता रहे, समाज में कोई लड़ाई ना हो, हमारा मुद्दा है कि सब लोग एक साथ चलें। अभी देखिए कल क्या हुआ, यहीं से निर्दलीय प्रत्याशी हैं योगी जी, उनकी 2-3 प्रचार वाहन की गाड़ियाँ जा रही थी, उस पर हमला किया, वो बेचारा गरीब वहाँ पे ड्राइवर था। अरे आप, मैं कहना चाहूँगा हर लोगों से कि उसको मार के क्या होगा, उसको मारा बेचारे को, उसका मारा गाड़ी को भी शीशा फोड़ फाड़ दिया, उसको मारने का क्या मतलब था? तो अभी से ही जो है ये अपने, अगर इनको मौका मिल गया शिवहर में 5 साल काम करने का एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, तो अभी से ट्रेलर दिखा रही हैं यहाँ के लोगों को। बहुत ही दुखद है कल जो हुआ योगी जी के साथ, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, बहुत ही दुखद घटना है ये। इस तरह की घटना लोकतंत्र में बिल्कुल भी मान्य नहीं है और इस तरह की घटना को बिल्कुल भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। शिवहर के लोगों से मैं कहूँगा, अपील करूँगा, आपने 2020 में मौका दिया है इस लड़के को, आप देख रहे हैं आज, मैंने उस समय भी कहा था आप लोगों को कि एक बार इसको मौका देके देखिए, उसके बाद देखिए क्या करेगा। आज मेरी बात सच नहीं हो रही है तो आज शिवहर के लोग भी कह रहे हैं मेरी बात सच हो रही है। तो एकदम किसी भी तरीके से शिवहर को सहरसा मुक्त कीजिए, इन लोगों को यहाँ से अब भेजिए, बहुत दिन हुआ 30 साल से हम लोग इन लोगों को छाती पर बैठा कर रखे हुए हैं, इन लोगों को वापस भेजिए। शिवहर में क्या लड़का नहीं है, शिवहर में बच्चे नहीं है राजनीति करने लायक? क्या शिवहर में कोई नहीं मिला नीतीश जी को टिकट देने के लिए, जो यहाँ से सहरसा से इम्पोर्ट करा के ले आए टिकट देने के लिए? बेटे को MLA का टिकट मिल गया, माँ MP का टिकट ले आई, एक बेटी घूम रही है यहाँ रीगा में, एक बेटा घूम रहा है बेलसंड में, बहू भी घूम रही है सुन रहे ढाटा विधानसभा में, तो यहाँ का बच्चा सब क्या करेगा, कहाँ जाएगा?
मैं सारा आप ही लो लड़िएगा, सारा आप ही लो कीजिएगा। मैं फिर कहा हूँ, एक का दो सिंबल कर लिया तो याद रखिएगा, दो सिंबल का तीन सिंबल, चार सिंबल, पांच सिंबल करने में कोई बड़ा इन लोगों को टाइम नहीं लगेगा। ये बात मेरी नोट कर ले, शिवहर के लोग, मैं आज जो बोल रहा हूँ शिवहर की सारी जनता इस बात को नोट कर ले, इस चीज़ को। जब आप लोग इस बार लोकसभा का लड़ रहे चुनाव, रितु जायसवाल यहाँ लोकसभा की है प्रत्याशी, मगर नवनीत झा युवाओं के लिए एक आइडियल माने जाते हैं। राजद में आपके आने से बहुत सारे युवा आज आपके चेहरे को लेकर काफ़ी आगे आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे बहुत खुशी है, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर भी है, क्योंकि बेरोजगारी दल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हमने कहा ना कि हमारी सरकार 2025 में आएगी तो सबसे पहले जो बेरोजगारी को जो हटाने का काम शुरू किया था हमने, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और लाखों नौकरियां देंगे और इसमें काम करेंगे। देखिए, हम लोग चिकित्सा, मैंने बोला चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक समरसता, हम इस चीज़ में काम करेंगे। हम लोगों को जाति धर्म से अब कोई लेना देना नहीं है। जाति धर्म का भी हमने 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से हम लोग देख रहे हैं, और युवा भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर कोई चुनाव जीत के चला जाता है, अकड़ जाता है। हमारे यहाँ आप जिस समाज से आते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जदयू के जो विधायक 10 साल से यहाँ थे, अगर किसी समाज को प्रताड़ित करने का उन्होंने काम किया तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित करने का काम किया। गाँव में सौड़ा में कितने बच्चों को FIR में फंसाने का काम किया, अपने गांव में कितने बच्चों को FIR में फंसाने का काम किया, क्या हम लोग कभी ये जीवन में काम किया? तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई आपके समाज से आ रहा है और उसके बाद आप ही को गाली दे रहा है और आपके ऊपर ठस्सा देके जीत रहा है लेके, और उसी का परिणाम आज ये है आकिब जी, कि मैं कहना नहीं चाहूँगा कि आज जदयू जो है यहाँ पे शिवहर में विलुप्त हो चुका है, आप हमसे ज़्यादा जान रहे हैं। आज अगर भाजपा साथ ना हो, RJD साथ ना हो, तो जदयू के उम्मीदवारों को विधानसभा में करीब 500-600 वोट लाना मुश्किल है और लोकसभा चुनाव में 10,000-12,000 वोट लाना आज की डेट में मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनरल आप लोग भी घूमते हैं गाँव देहात में, आप जाके देखिए, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई महिला उनके बारे में आज पॉजिटिव चीज़ जदयू के बारे में नहीं बोल रही है। कैसे बोलेगी? जदयू की एक मंडली बन चुकी है, उस मंडली का बस सिर्फ एक काम है कि किसी तरह हमको बिहार को लूटते रहें, बिहार को पीछे धकेलते रहें, बिहार जहां है उसको वहीं रखें, तो कैसे फिर बढ़ेगा बिहार? चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे इस समय हमारे साथ नवनीत कुमार झा मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत किया, लगातार पूरे लोकसभा क्षेत्र का हम वहां पहुंच रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बार माहौल है। तो शिवहर से आप देख रहे हैं आकिब रजा की रिपोर्ट।